वाराणसी से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया दौरा, मातहतों को दिए कई आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री ने जनपद में निर्माणाधीन विकास कार्यों एवं कोविड 19 वैश्विक महामारी के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की। कोरोना से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश कोविड संक्रमण के विरुद्ध प्रदेश में टीम भावना से कार्य हुआ, जिसके अच्छे परिणाम आए। योगी आदित्यनाथ, अब कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा आर्थिक गतिविधि तेज करने के दो प्रमुख चैलेंज हैं। मेडिकल में इमरजेंसी सेवाएं व महत्वपूर्ण ऑपरेशन कार्य प्रारंभ किए जाएं। रोजगार सेवायोजन की प्लानिंग कर स्थानीय लोगों व प्रवासियों को अवसर प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री, केंद्र के बड़े पैकेज में लागू स्कीमों को व्यापक रूप से लागू कर लोगों को लाभान्वित कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद में संचालित विकास योजना की प्रगति एवं कोविड 19 के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकना है। इस समय हम ऐसे स्टेज पर हैं कि थोड़ी लापरवाही पहले के किए गए कार्य पर पानी फेर सकता है। वर्तमान में दो कार्य, पहला कोरोना के संक्रमण को रोकना तथा दूसरा आर्थिक गतिविधि को तेज करना है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, जैसे कोविड अस्पताल में डॉक्टर का राउंड होना, सीनियर डॉक्टर जाए, पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध रहे, समय पर भोजन मिले, गुनगुना पानी दिन में 3-4 बार दिया जाए। यह सब अच्छा मैसेज देते हैं, लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना सबसे कमजोर वायरस है, इसमें मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन इसका संक्रमण बहुत ज्यादा है। इसमें लोगों में भय व दहशत का माहौल बना है। मेडिकल स्टाफ अपनी कार्य पद्धति में इसे दूर करे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण नहीं बने। सर्विलांस कार्य प्रभावी करे, इसमें आशा वर्कर तथा निगरानी समितियां एकजुट करे। पॉजिटिव कोरोना केस का इलाज हर हाल में कोविड अस्पताल में हो तथा संदिग्ध मरीज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखें। इसके अतिरिक्त अन्य इमरजेंसी सेवाएं व महत्वपूर्ण ऑपरेशन कार्य प्रारंभ करें। कोरोना के कंटेनमेंट जोन में विशेष सतर्कता रखी जाए। कोरोना में मेडिकल इन्फेक्शन ज्यादा हुए हैं। सर्विलांस मजबूत कर इसके संक्रमण को रोकें। इस जून के महीने में चैलेंज के रूप में काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी लोगों की स्किल मैपिंग कर उन्हें सूक्ष्म, लघु व बड़े उद्योग में समायोजित करें। अप्रेंटिस की एक अच्छी स्कीम है, जिसमें 2500 रुपए हर माह सरकार देती है। यहाँ के मजदूरों व प्रवासियों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों में कहाँ कहाँ रोजगार हो सकते हैं उसकी मैपिंग कर ले। आगामी 6 माह की रोजगार के मैपिंग की योजना बनाएं। बड़े जिलों में प्रतिदिन 1.5 लाख रोजगार मिले। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए विशाल आर्थिक पैकेज की स्कीम में लोगों को लाभान्वित कराएं। उत्तर प्रदेश में 57,000 लोगों को बैंकों से रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। स्ट्रीट वेंडर के लिए अच्छी स्कीम है, 10,000 का ऋण, ब्याज में सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट पर अलग सुविधा है। मुख्यमंत्री ने रोजगार पर विशेष फोकस पर बल दिया। इसके लिए जनपद में सेवायोजन कार्यालय नोडल के रूप में कार्य करें। कोरोना की अब वास्तविक लड़ाई को चैलेंज के रूप में लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ेंगे। सरारतन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई तत्काल करें। पुलिस प्रो एक टीम होकर कार्य करें। पूर्व से एहतियाती कदम उठाएं। पेट्रोलिंग बढ़ाएं। लुक जातीय सांप्रदायिक घटना में त्वरित व प्रभावी कार्यवाही कर दी जाए। इस दौरान लोग 5-10 वर्षों बाद अपने गांव लौटे हैं, कुछ समस्याएं आएंगी। अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान चलाएं। पुलिस की बीट प्रणाली मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक 2 शुरू हो गया है, सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा का माहौल बनाना है। जनप्रतिनिधियों से संवाद रखें। सरकारी मशीनरी की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि लोग अच्छा महसूस करें। प्रदेश में टीम भावना से कार्य हुआ, जिसका अच्छा परिणाम दिखा। अब आगे चैलेंज के रूप में बिना किसी शिथिलता के कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि वह आगे जोन वाइज व कमिश्नरी वाइज समीक्षा भी करेंगे। बैठक की शुरुआत में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जनपद में गतिमान प्रमुख बड़ी योजनाओं का पावर प्ले के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया तथा जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद में कोरोना के संक्रमण व बचाव तथा आमजन की सहायता हेतु किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।